गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स सभी का स्वागत है एग्जामपुर में और सबसे पहले नीरज अमित राकेश मेजा अख्तर योगेश थैंक यू विश्वजीत मंडल राहुल प्रशांत रितेश अजीत सुनीत सावन सनी लाल बहादुर कमल सुनील सौरभ मिथुन शिवराज बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम एंड नेहल शुभम अनुज अंकित राजवीर राजवीर सभी बच्चों को सभी स्टूडेंट्स को वेरी गुड मॉर्निंग और आज तो आप मूड बना लें बिल्कुल पढ़ाई करने का क्योंकि जो हमारी टैक्सोनॉमी थी ठीक है टैक्सोनॉमी के बाद मैंने आपको करवाया था क्लासिफिकेशन एंड देन क्लासिफिकेशन के बाद आज हम पढ़ेंगे नॉमन तो कुछ स्टूडेंट्स को ये लगता है कि जो नॉमल क्लेचर है वो काफ़ी बोरिंग सब्जेक्ट है या टेक्सोनॉमी बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है लेकिन मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि यहीं से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं ठीक है ठेके? और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स स्पेशली ध्यान दें उन्हें ये लगता है कि मैम इंग्लिश में बहुत पढ़ाती हैं देखिए इंग्लिश में नहीं पढ़ा रही हूँ मैं बाई लैंग्वेज पढ़ा रही हूँ तो जितना कॉपरेट इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स कर रहे हैं प्लीज़ आप भी थोड़ा सा कॉपरेट करें उनका वो लोग इस तरह से कोई शिकायत नहीं कर रहे हैं जितना कि आप सभी बच्चों की शिकायत आ रही है ठीक है तो आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे सबसे पहले ठीक है तो सबसे पहले अगर हम आज न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो उस टॉपिक का नाम है नॉमन क्लेचर नॉमन क्लेचर ठीक है और अगर हम नॉमन क्लेचर की बात करें तो हिंदी में इसे क्या कहा जाता है नामकरण नामकरण ठीक है तो सबसे पहले अगर हम नॉर्मन क्लेचर की बात करें नामकरण की बात करें तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ टेक्सोनॉमी ठीक है ये किससे संबंधित है ये टेक्सोनॉमी से संबंधित है तो मैंने आपको जब टेक्सोनॉमी पढ़ाया था तो उसके तीन स्टेप्स बताए थे आप लोगों को पहला स्टेप कौन सा था आइडेंटिफिकेशन पहचान करना ठीक है और दूसरा मैंने आपको क्या बताया था क्लासिफिकेशन जो हमने अभी तक पढ़ लिया है और इसके बाद सबसे लास्ट में हमारा क्या बचता है नॉमन इसका मतलब जितने भी जीव जंतु हैं जितने भी लिव, लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनका क्या किया आपने सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन किया पहचान किया उसके बाद उसका क्लासिफिकेशन किया क्लासिफिकेशन के अंदर मैंने आपको पढ़ाया है टू किंगडम क्लासिफिकेशन एंड फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन काफ़ी अच्छे से आपको बताया है और इन्हीं दो किंगडम से सबसे ज़्यादा आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे, पूछे जाते हैं बिल्कुल ठीक है नीरज सेल थ्योरी जब आपके साइटोलॉजी चलेगी तब होगी यहां पे आप वही बात करिए जो यहां पर अभी टॉपिक चल रहा है ठीक है ठीक हाँ तनु कुमारी ये बहुत ही नाइस टॉपिक है एक्चुअली क्योंकि इसी से सबसे ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं तो अगर हम नॉमन की बात करते हैं तो आप अपने समझने के लिए इसको साइंटिफिक नेम भी कह सकते हैं तो जितने भी तरह के प्लांट्स हैं जितने भी तरह के एनिमल्स हैं उनके साइंटिफिक नेम आपके बहुत ज़्यादा आते हैं और जो आपके कोर्स में नॉमन है वो है बाई नॉमियल जो आपके कोर्स में है वो क्या है बाई नॉमियल नॉमन क्लेचर ठीक है जिसको हम क्या कहते हैं हिंदी में द्वी नाम पद्धति द्वी नाम पद्धति ठीक है तो सबसे पहले बात कि अगर हम बात करें कि इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी तो सबसे पहले अगर हम किसी भी जीव जंतु का साइंटिफिक नेम रखते हैं या उसका नामकरण करते हैं तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी आप सभी जानते हैं कि हर रीज़न का अपना एक अलग लैंग्वेज होता है जहां वे वो किसी की पहचान करते हैं और अपने लैंग्वेज में उसका नाम रखते हैं जैसे कि अगर हम बात करें गाय की ठीक है तो उसको इंग्लिश में कहा जाता है काउ हम कहते हैं गाय हो सकता है कि चाइनीज जापानीज़ कोरियंस कुछ और कहते हो और एक जैसी जगह में आकर के हम पर्टिकुलर गाय की बात कर रहे हैं काउ की बात कर रहे हैं लेकिन हर कोई अपने लैंग्वेज में अलग अलग बातें कर रहा है तब क्या होगा किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल या ऑर्गेनिज्म के बारे में हम बात कर रहे हैं और फिर भी हम आपस में लड़ाई करेंगे कि नहीं तुम गलत हो एक्चुअली में गलत कोई नहीं है गलत क्या हो जाता है यहाँ पे कि हम एक दूसरे की लैंग्वेज को समझ नहीं पा रहे हैं तो इस वजह से सबसे ज्यादा जरूरत क्या पड़ी कि हम उसका एक साइंटिफिक नेम रखें ठीक है और सबसे पहले यहाँ पे साइंटिस्ट का नाम आता है कार्ल लीनियस का कार्ल लीनियस का नाम आता है ठीक है और इससे पहले भी मैं बता चुकी हूं कि कार्ल लीनियस क्यों फेमस है क्योंकि इनको क्या कहा जाता है फादर ऑफ टेक्सोनॉमी फादर ऑफ टैक्सोनॉमी ठीक है अगर हम कार्लिनियस की बात करते हैं तो इनको क्या कहा जाता है फादर ऑफ़ टेक्सोनॉमी ठीक है तो अगर हम कार्लिनियर्स की बात कर रहे हैं तो इन्होंने सबसे पहले क्या काम किया इन्होंने सबसे पहले साइंटिफिक नेम रखने का काम किया क्लियर है इस वजह से अगर आपका एग्जाम में पूछा जाए कि बाई नॉमियल नॉमन क्लेचर यानी द्वि नाम पद्धति नामकरण की द्वि नाम पद्धति किसने दी तो आप क्या बताएंगे कार्ल लीनियस ने दी और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसलिए इसके सामने आप बना लें स्टार ठीक है क्योंकि ये सबसे ज्यादा आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं ठीक है अब इसके बाद जो कुछ भी साइंटिफिक नेम है साइंटिफिक नेम अगर प्लांट्स का रखा जा रहा है पौधों का रखा जा रहा है तो उसको हम कहते हैं बोटेनिकल नेम ठीक है और हिंदी में आप इसे क्या कहेंगे वनस्पति नाम और बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम एनिमल्स की नेमिंग करते हैं यानी जंतुओं का नामकरण करते हैं तो उसे क्या कहा जाएगा जुलॉजिकल नेम ठीक है यानी जंतु नाम तो अगर हम कोई भी साइंटिफिक नेम रखते हैं ठीक तो उसके दो भाग हो गए सबसे पहले क्या हो जाएगा जुलॉजिकल नेम और दूसरा क्या होगा प्लांट नेम ठीक है या फिर जैसे हम क्या कहते हैं पॉटनिकल नेम क्लियर है यहाँ तक सभी बच्चों को ठीक है इसके बाद बात आती है कि जब कार्लिनस ने द्वी नाम पद्धति दिया यानी बाय नॉर्मियल क्लेचर दिया तो उसके कुछ अपने रूल्स होंगे ठीक है अपने कुछ रूल्स होंगे उसी के हिसाब से ही सारी चीज़ें चलेंगी क्योंकि अगर रूल्स नहीं है तो तो बहुत दिक्कत हो जाएगी तो अगर हम रूल्स की बात करते हैं नियम की बात करते हैं तो बाय नॉर्मियल क्लेचर के भी कुछ अपने नियम होते हैं हाँ सूरज कुमार बिल्कुल सही बात है प्रभात बिल्कुल सही बात है ठीक है अगर हम बात कह रहे हैं नेम बोल दिया करो अच्छा धर्मेंद्र यादव ठीक है अब आप खुश आपका नाम बोल दिया है अब प्लीज आप थोड़ा पढ़ाई में ध्यान लगाइए ठीक है तो सबसे पहले कार्ल लिनियस ने कुछ रूल्स दिए और उन्हीं रूल्स को आज तक फॉलो किया जा रहा है ठीक है तो अब हम मानेंगे यहाँ पे कि कार्लिनियस ने कौन कौन से रूल्स दिए कौन कौन से रूल्स दिए तो सबसे पहले आप सभी नोट करें इसको कौन कौन से रूल्स थे कौन कौन से नियम थे ठीक है तो सबसे पहला नियम जो कुछ भी साइंटिफिक नेम लिखा जाएगा वो हमेशा लैटिन वर्ड का होगा अब कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि लैटिन मतलब क्या होता है देखो अगर हम एशियंट लैंग्वेज की बात करें तो लैटिन ग्रीक संस्कृत ये सब क्या है एक तरह का एशियंट लैंग्वेज है है ना प्राचीन भाषाएं हैं तो उन्हीं से संबंधित एक कौन सी भाषा है लैटिन। क्लियर है तो जो कुछ भी आप यहाँ पे लिखोगे उसको क्या कहोगे आप लैटिन वर्ड का हमेशा ये लिखा हुआ होता है यानी कि लेटिन शब्द का प्रयुक्त होता है यहां तक सभी को समझ आया तो पहला क्वेश्चन आपका यहाँ से क्या बना कि अगर हम किसी बाई नॉर्मल नॉर्मन क्लेचर की बात कर रहे हैं तो उसमें जो फर्स्ट जो उसमें फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है कि ये लैटिन वर्ड का लिखा हुआ होना चाहिए अब जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम ह्यूमंस की बात करते हैं ठीक है मनुष्यों की बात करते हैं तो मनुष्यों का या ह्यूमन का साइंटिफिक नेम क्या है बताइए बच्चों क्या है चैट बॉक्स में मैं देख रही हूं अभी तक किसी ने भी आंसर नहीं दिया है ये तो बहुत ही कॉमन है क्या नाम है इनका होपो हो, हो, सैपियन होमो होमोसैपियन हो, क्लियर है ठीक है होमो होमोसैपियन ठीक तो अगर हम बात करते हैं कि मनुष्य यानी कि मैन जो है उनका जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है होमो होमोसैपियन तो ये दोनों वर्ड किससे बने हुए हैं लैटिन लैंग्वेज से आए हैं लैटिन वर्ड है ठीक है लैटिन वर्ड है हाँ होमोसैपियन बिल्कुल ठीक है अब इसके बाद नेक्स्ट इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे दूसरे नंबर पे हाँ होमोसैपियन बिल्कुल सही है लेकिन दोनों के बीच में स्पेस आएगा ठीक है ठीक इसके बाद जो सेकंड रोल होता है कि ये हमेशा टू वर्ड्स के बने हुए होते हैं टू वर्ड्स के बने हुए होते हैं मतलब दो शब्दों के बने हुए होते हैं ठीक है अब देखो सिंपल सा नाम है बाई नोवेल बाई मतलब क्या होगा टू दो और नॉमियल मतलब नेमिंग करना इसका मतलब ऐसा नाम जो दो शब्दों का बना हुआ है दो वर्ड्स का बना हुआ है उसको आप क्या कहेंगे टू वर्ड्स का बना हुआ है बाई नॉमियल द्वि नाम ऐसा नाम जो दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है क्लियर है यहां तक एक और दो इसके बाद हम बात करेंगे तीसरा पॉइंट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सभी स्टूडेंट ध्यान दें कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ठीक है अगर हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट की बात करें तो अगर हम इसमें फर्स्ट टर्म को देखते हैं यानी कि पहले शब्द को देखते हैं अगर हम इस पहले शब्द को देखते हैं यहाँ पे आप ध्यान से देखिए तो ये जो पहला शब्द है वो क्या दर्शाता है हमेशा आपके एग्जाम में आता है कि वो क्या दर्शाता है तो आप बताओगे यहाँ पे कि ये जीनस यानी कि किसी के किसी ऑर्गेनिज्म के वंश को जीनस को दर्शाता है ठीक है और इसी तरीके से अगर हम बात करें कि ये दूसरा वाला जो शब्द है दूसरा जो वर्ड है जो सेकेंड टर्म है वो क्या यहाँ पे शो कर रहा है आप बताएंगे कि ये स्पीशीज़ को शो करता है स्पीशीज़ को शो करता है यानी कि ये किसी भी ऑर्गेनिज़्म की जाति को बताता है और इसको आप एक बॉक्स में बना लो क्योंकि जितने भी आज तक वन डे एग्जाम हुए हैं चाहे वो पीसीएस हो एसएससी हो रेलवे हो कोई सा भी एग्जाम हो यहाँ तक कि यूपीएससी, सब में ये पॉइंट पूछा गया है ठीक है क्या पूछा जाएगा कि अगर हम बाई नोम नॉमन क्लेचर की बात कर रहे हैं तो उसमें जो फर्स्ट वर्ड या फर्स्ट टर्म है वो क्या शो करता है और सेकेंड टर्म क्या शो करता है आप क्या बताएंगे कि जो फर्स्ट टर्म है वो क्या शो कर रहा है जीनस यानी कि वंश और जो सेकेंड टर्म है वो क्या शो कर रहा है यहाँ पे स्पेशस जाति और इसको बिल्कुल आप अपने दिमाग में डाल लीजिए क्योंकि यही आपका क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार बार एग्जाम में पूछा गया है और जब मैं यहाँ पे क्वेश्चन करवाऊंगी तो भी मैं खुद यहाँ पे पूछ पूछूंगी तब आपका आंसर गलत नहीं होना चाहिए हाँ बिल्कुल बिट्टू आनंद आपका आंसर बिल्कुल सही है ठीक है अब इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे फोर्थ नंबर का नियम ठीक है फोर्थ नंबर में आपका क्या नियम होना चाहिए ठीक है अगर हम फोर्थ नंबर की बात करते हैं फोर्थ नंबर की अगर हम बात करते हैं तो जो फर्स्ट टर्म है अगर आप ध्यान से देखो तो जो फर्स्ट टर्म है फर्स्ट टर्म का जो इनिशिएशन हो रहा है जो शुरुआत होती है वो हमेशा कैसी होती है कैपिटल लेटर से होती है ठीक है आप यहाँ पे ध्यान से देखिए मैंने होमो लिखा तो एच मैंने कैसा बनाया यहाँ पे कैपिटल बनाया तो हमेशा जो फर्स्ट टर्म का इनिशिएशन होगा वो कैसा होगा कैपिटल लेटर से होता है कैपिटल लेटर से होता है ठीक है सभी बच्चों को पता है कैपिटल लेटर ठीक है अब इसके बाद अगर हम सेकेंड टर्म की बात करते हैं सेकेंड टर्म की बात करते हैं तो इसका इनिशिएशन यानी इसकी शुरुआत किससे हो रही है देखो ये मैंने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे स्मॉल एस है ना तो आप क्या बताएंगे यहाँ पे स्मॉल लेटर से होता है स्मॉल लेटर से होता है क्लियर है यानी कि इसका जो फोर्थ रूल है वो क्या है कि इसका इनिशिएशन, अगर हम फर्स्ट टर्म के इनिशिएशन की बात कर रहे हैं तो इसका इनिशिएशन कैसा होगा हमेशा कैपिटल लेटर से होता है ठीक है और अगर हम सेकेंड टर्म की बात करते हैं तो इसका इनिशिएशन, यानी शुरुआत हमेशा स्मॉल लेटर से होती है हाँ सूरज कुमार कैपिटल लेटर से होता है ठीक है और इसके बाद फिफ्थ नंबर का पॉइंट आप लिखेंगे अब यहाँ पे आप देखेंगे फिफ्थ नंबर का पॉइंट सभी को समझ आ रहा है अक्षय यहाँ पे आप लोग आपस में लड़ाई ना करें ठीक है स्टूडेंट्स आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दें ठीक है इसके बाद नेक्स्ट आप लिखेंगे यहाँ पर फिफ्थ अगर हम किसी प्रिंटिंग मटेरियल की बात करते हैं प्रिंटिंग मटेरियल की बात करते हैं प्रिंटिंग मटेरियल मतलब कि कुछ छपा हुआ है हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्या लिखेंगे कुछ टाइपिंग हुआ है कुछ छपा हुआ है जैसे कि अगर आप न्यूज़पेपर देखते हैं जनरल देखते हैं ठीक है और बुक्स पढ़ते हैं तब वहाँ पर ये किस तरीके से लिखा हुआ जाता है तो अगर कोई प्रिंटिंग मटीरियल है तो उस टाइम पर हम इसे इटैलिक फॉन्ट में लिखते हैं उस टाइम पे हम इसे इटैलिक फ़ॉन्ट में लिखते हैं अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको इटैलिक फ़ॉन्ट नहीं पता होगा तो देखो एक होता है बोल्ड एक होता है इटैलिक। इटैलिक मतलब होता है कि थोड़ा सा पतला और थोड़ा सा टिल्ड थोड़ा सा घुमा हुआ होता है ठीक है तो उससे क्या होता है कि जब भी हम उस किसी भी चीज की रीडिंग कर रहे हैं तो उसमें बहुत ही अच्छे से वो हमको हाईलाइट होकर के दिखाई देता है तो हमें पता चल जाता है कि ये क्या है बाय नॉर्मल क्लेचर में साइंटिफिक नेम लिखा हुआ है ठीके? ठीक है ठीक और इसके बाद सिक्स नंबर सिक्स नंबर अगर हम हैंड रिटर्न लिख रहे हैं अगर हम कोई हैंड रिटन यानी कि अपने हाथों से लिख रहे हैं देखो हिंदी मीडियम वाले बच्चे ध्यान दें अगर हम हैंड रिटन यानी हाथों से लिख रहे हैं तो हमेशा वो कैसा होगा अंडरलाइन करके लिखा जाता है हमेशा अंडरलाइनड होता है इस बात का ध्यान रखेंगे अब देखो यहाँ पे जब मैंने होमोसैपियन लिखा तो इसके नीचे मैंने क्या किया था अंडरलाइन लिखा था अंडरलाइन किया है मैंने यहाँ पे तो आप देख रहे हैं ना कि क्या हुआ अगर यही प्रिंटिंग होता तो इटैलिक होता लेकिन अगर हम यहां पे क्या देख रहे हैं कि हैंड रिटर्न है हैंड रिटर्न है तो आप उसको क्या कर रहे हैं हमेशा इस तरीके से अंडरलाइन कर रहे हैं ठीक है तो आई होप कि आपको ये पूरे सिक्स रूल समझ आ गए होंगे फर्स्ट रूल कौन सा था कि लैटिन लैंग्वेज में होता है ठीक है यानी कि लैटिन भाषा में होता है दूसरा रूल क्या होगा कि दो शब्दों से बना होता है टू वर्ड से बना हुआ होता है तीसरा रूल क्या था कि जो फर्स्ट टर्म होगा वो क्या दिखाई देगा वो क्या दिखाई शो करेगा वो शो करता है वंश का नाम यानी कि जीनस का नेम जीनस नेम ठीक है और जो सेकंड टर्म होता है वो क्या शो करता है जाति का नाम यानी कि स्पीशीज का नाम ठीक है यहां तक क्लियर है बिल्कुल गिरिजा शेखर ऐसा क्यों है क्योंकि जिस हिसाब से कार्ल लिनियस ने बना के गए हैं उसी को हम फॉलो करते हैं ठीक है वो लैटिन बोलते थे और लैटिन में ही उन्होंने सारे नामकरण किए इसी वजह से उसी पद्धति को हम उसी प्रिंसिपल्स को हम आज तक करते हुए आ रहे हैं समझ आ गया यहाँ तक हाँ सचिन कुमार बायो ही पढ़ रहे हैं क्योंकि यही आपको मार्क्स दिखाई देगा लिखने का तरीका नहीं सिखा रही हूँ क्योंकि ये आपकी नर्सरी की क्लास नहीं है ठीक है, Next, इसके बाद हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो था थर्ड पॉइंट और वो आप सभी को याद रखना है ठीक है यहां तक क्लियर है सभी बच्चों को ठीक है अब इसके बाद कई बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि अगर हम टेक्सोनॉमी क्लासिफिकेशन किसी भी चीज़ की बात कर रहे हैं तो इसकी स्मॉलेस्ट इस यूनिट क्या होती है जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसकी शुरुआत कहाँ से होगी उसकी शुरुआत होती है हमेशा सेल से एक कोशिका से बिल्कुल उसी तरीके से अगर हम बायोनॉमियल नॉमल क्लेचर की बात कर रहे हैं टेक्सोनॉमी की बात कर रहे हैं या क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं तो उसकी शुरुआत हमेशा कहाँ से होती है उसकी शुरुआत हमेशा होती है स्पीशीज से स्पीशीज से ठीक है स्पीशीज से उसकी शुरुआत होगी और स्पीशीज को हिंदी में क्या कहा जाता है जाति कहा जाता है स्पीशीज से उसकी शुरुआत होती है और जब स्पीशीज खूब सारी मिल जाएंगी तो वो आपस में एक ही जैसे मेंबर्स आपस में मिल करके क्या बनाते हैं जाति बनाते हैं तो स्पीशीज के बाद आता है जीनस जिसको आप क्या कहेंगे वंश बनाना सॉरी वंश बनाना जब बहुत सारी जाति आपस में मिल जाती है तो क्या बनाती है वंश बनाती है जीनस बनाती है ठीक है और जीनस के बाद बनती है एक फैमिली एक फैमिली और जिसे हम क्या कहते हैं कि एक क्या बन गया है कुल बन गया है एक कुल बन गया है फैमिली बन गई है इसके बाद आता है ऑर्डर इसके बाद आता है ऑर्डर और जिसको आप क्या कहते हैं गण कहते हैं हिंदी में से गण कहते हैं और इसके बाद आता है क्लास इसके बाद आता है क्लास और क्लास को आप क्या कहेंगे बच्चों हाँ बिल्कुल सही है तस्वर मलिक बिल्कुल आप सही पढ़ रहे हैं ठीक है तो सबसे पहले जीनस फिर फैमिली फिर ऑर्डर और फिर क्लास और क्लास को हिंदी में क्या कहा जाएगा स्टूडेंट्स क्लास को हिंदी में कहा जाता है वर्ग वर्ग ठीक है और वर्ग के बाद यहां पे क्या शुरू हो जाता है फाइलम फाइलम और जिसको आप क्या कहते हैं संघ फाइलम को क्या कहा जाएगा संघ कहा जाएगा संघ कहा जाएगा ठीक है और फाइलम के बाद सबसे लास्ट में क्या बनता है यहां पे किंगडम किंगडम और जिसको आप क्या कहते हैं जगत जगत ठीक है ये पूरा आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा ठीक है तो सबसे पहले क्या शुरुआत होगी कहां से स्पीशीज की शुरुआत होती है तो अगर आपसे क्वेश्चन आता है यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन ठीक है या फिर हिंदी में पूछा जाएगा कि वर्गीकरण का वर्गीकरण का वर्गीकरण की इकाई वर्गीकरण की इकाई तो आपका क्या आंसर आना चाहिए स्पीशीज स्पीशीज जिसको क्या कहा जाएगा जाति कहा जाता है जाति कहा जाता है यहां तक सभी स्टूडेंट्स को समझ आ गया होगा ठीक है मैं फिर से आपको रिपीट करती हूँ सबसे पहले स्पीशीज होगी जो बिल्कुल एक जैसी दिखाई दे रही है वो क्या बनाएंगी जाति बनाएंगी ठीक है उसके बाद क्या बनेगा जीनस बनेगा यानी वंश बनेगा फिर क्या बनेगा फैमिली यानी कि कुल बनेगा फिर क्या बनेगा ऑर्डर यानी गढ़ फिर क्या बनेगा क्लास यानी कि वर्ग और सबसे लास्ट में वहां पे आप क्या देख रहे हैं फाइलम यानी कि संघ और इन सभी से मिलकर के यानी बहुत सारे फाइलम जब एक साथ मिल जाते हैं तो उससे क्या बनता है उससे बनता है किंगडम यानी कि जगत ठीक है इसके बाद अगर आपका क्वेश्चन पूछा जाता है यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन तो आप क्या बताएंगे वर्गीकरण की इकाई तो आप क्या बताएंगे स्पेश जाति ठीक है यहां तक सभी बच्चों को समझ आ गया है ठीक है क्लियर ओके अक्षर अक्षय शर्मा वेरी गुड ठीक है अब इसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे जो एग्जाम से रिलेटेड मैंने लगभग 40 45 कुछ साइंटिफिक नेम आपके लिए तैयार किए हैं आप उनको बिल्कुल पढ़ लो गीता का ज्ञान समझ के पढ़ लो कोई सभी ज्ञान समझ के पढ़ लो पर उसको आप अपने माइंड में पढ़ लो अब कुछ बच्चे कहेंगे मैम कैसे याद होगा तो मैं सिंपल सा कहती हूँ दो चम्मच सुबह और दो चम्मच शाम ठीक है इसका मतलब एक बार बस आप रिवाइज कर लो आपको याद करने की भी जरूरत नहीं है हल्का सा रिवाइज कर लो बहुत है ठीक है और यहाँ से सबसे ज्यादा आजकल वन डे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जा रहा है सभी तो स्टूडेंट सोचते हैं कि हम सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ लें हम थोड़ा सा ब्लड पढ़ लेते हैं थोड़ा सा माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ लेते हैं और अरस्तु का नाम याद कर लेते हैं और हो जाएगी बायोलॉजी ऐसा बिल्कुल नहीं होता क्योंकि ठीक है जो आप सोचते हो ना कि यहाँ पे यहाँ पे जो हम बोर चल रहा है ऐसा चल रहा है नहीं ये जो टेक्सोनोमी क्लासिफिकेशन और नॉर्मन क्लेचर की ठीक है और पूछा जाएगा, तो दूसरे बच्चों से अगर ज्यादा मार्क्स लाने हैं सिलेक्शन लेना है तो इसको पढ़ना जरूरी है ठीक है तो चलो अब सबसे पहले शुरू हो जाओ अपनी नोटबुक लेकर के फटाफट से ठीक है तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर स के बारे में तो मैं आपको बता ही चुकी हूं ह्यूमन का साइंटिफिक नेम सभी बच्चे बच्चों को पता है होमोसैपियन होमोसैपियन ठीक है चलो होमोसैपियन अब इसके बाद दूसरे नंबर से हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉग से ठीक है तो सबसे पहले आप लिखेंगे फ्रॉग और फ्रॉग को हिंदी में क्या कहा जाता है बच्चों मेढक कहा जाता है ठीक है हिंदी वाले बिल्कुल परेशान ना हो मैं बोल रही हूँ यहाँ पे मेढक कहा जाता है ठीक है तो लिखे यहाँ पे कि मेढक का साइंटिफिक नेम क्या होता है आपकी स्क्रीन में शो हो रहा है मेढक का साइंटिफिक नेम क्या होता है क्या होता है आपकी में शो हो रहा है राना टिगरीना राना टिगरीना ठीक है और जब भी आप इसको लिखेंगे जब भी आप इसको लिखेंगे तो राना टिगरीना के नीचे आप अंडरलाइन करेंगे ठीक है राना टिगरीना के नीचे अंडरलाइन करेंगे इसके बाद आपका है कैट इसके बाद आपका स्क्रीन में शो हो रहा है कैट तो अगर आपका स्क्रीन में शो हो रहा है तो आप देखिए क्या लिखा हुआ है फैलिस डोमेस्टिका फैलिस डोमेस्टिका फैलिस डोमेस्टिका दिखाई दे रहा है स्क्रीन में ठीक है अब इसके बाद नेक्स्ट लिखिए आप डॉग डॉग आपको डॉग दिखाई दे रहा है डॉग का साइंटिफिक नेम देखिए आप क्या लिखा हुआ है कैनिस फेमिलियरिस कैन इज फैमिलियरिस ठीक है एफ ए एम आई एल आई ए आर आई एस ठीक है सभी बच्चों ने लिख लिया होगा ठीक है अब इसके बाद नेक्स्ट काउ गाय 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 क्या होगा इनका बॉस इंडिका बॉस इंडिका और कई बार बॉस इंडिकस भी लिखा हुआ आता है बॉस इंडिकस भी लिखा हुआ आता है ठीक है ठीक अब इसके बाद नेक्स्ट हाउस फ्लाई हाउस फ्लाई घरेलू मक्खी हाउस फ्लाई घरेलू मक्खी घरेलू मक्खी ठीक है इनका क्या होगा मस्का डोमेस्टिका मस्का डोमेस्टिका मस्का डोमेस्टिका ठीक है स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करेंगे आप सभी और इन सभी के नीचे आप अंडरलाइन करेंगे मस्का डोमेस्टिका ठीक है नेक्स्ट इसके बाद नेक्स्ट इसके बाद किंग कोबरा इसके बाद आप लिखेंगे किंग कोबरा ठीक है किंग कोबरा आपकी स्क्रीन में आ रहा है देखिए ध्यान से आपकी स्क्रीन में आ रहा होगा हाँ बिल्कुल इसे लिखिए इसे लिखिए आप ओफियो फेगस हना ठीक है ओफियो फेगस हना ठीक है हाँ बिल्कुल हिमांशु तिवारी आपका आंसर बिल्कुल ठीक है माउस के लिए लेकिन अभी हम माउस तक नहीं पहुंचे हैं उससे पहले आप सांप के बारे में पढ़िए कोबरा के बारे में ठीक है नेक्स्ट इसके बाद लॉयन लॉयन शेर कौन होता है जंगल का राजा शेर होता है शेर के बारे में पढ़िए लॉयन पैंथेरा, लियो पैंथेरा, लियो पैंथेरा, लियो शंगर क्या ये जंगल का राजा पैंथेरा, लियो ठीक है अब इसके बाद नेक्स्ट आप लिखेंगे टाइगर बाघ टाइगर बाघ ठीक है इसमें आप देखिए क्या लिखा हुआ आ रहा होगा पैंथेरा टाइगरिस पैंथेरा टाइगरिस देखिए स्टूडेंट्स ध्यान से लिखा हुआ होगा पैंथेरा टाइगरिस ठीक है और इन सभी के नीचे इन सभी के नीचे आप क्या लिखेंगे हाँ बिल्ली उनकी मौसी है बिल्कुल सही बात है लेकिन बिल्ली आप पढ़ चुके हैं पहले ही ठीक है अभी आप क्या पढ़ रहे हैं लॉयन के बाद पैंथेरा टैगरिस पैंथेरा टैगरिस ठीक है अब इसके बाद नेक्स्ट डॉल्फिन इसके बाद नेक्स्ट आप देखेंगे आपकी स्क्रीन में आएगा डॉल्फिन डॉल्फिन ठीक है ध्यान से देखिए लिखा हुआ आ रहा होगा डॉल्फिन हाँ बिल्कुल डॉल्फिन देखिए क्या लिखा हुआ है डॉल्फिनस डेल्फिस ये तो बिल्कुल सिंपल है जहां पे डॉल्फिन डॉल्फिन जैसा लिखा हुआ होगा वहां पे आप क्या लिख सकते हैं डॉल्फिन क्लियर है यहां तक ठीक है आप इसके बाद next आपका आएगा एलिफेंट एलिफेंट आप अपने स्क्रीन में देखिए क्या लिखा हुआ आ रहा है एलिफेंट लिखा हुआ रहा है हाँ बिल्ली सबकी मौसी है सभी को पता है लेकिन अभी आप क्या पढ़े आगे इसके आगे डॉल्फिन के बाद अब एलिफेंट तो हिंदी में हिंदी में क्या कहा जाएगा इसे हाथी तो इसका साइंटिफिक नेम क्या है एलिफेंटस मैक्सिमस एलिफेंटस मैक्सिमस मैक्सिमम साइज होता है इसका इसलिए क्या हो गया एलिफेंटस मैक्सिमस ठीक है ठीक है स्टूडेंट्स यहां पे मैं एक चीज आपको और बता देती हूं अगर आपका क्वेश्चन आता है जो कि जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा एनिमल है जिसे नेशनल हेरिटेज एनिमल यानी कि राष्ट्रीय राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया है तो आप क्या बताएंगे हाथी ठीक है नेक्स्ट आपके स्क्रीन में आ रहा है पावो क्रिस्टेटस किसे कहा जाता है मोर को यानी कि पिकॉक को क्या कहा जाएगा पावो क्रिस्टेटस ठीक है और इसके नीचे आप सभी अंडरलाइन लगाएंगे ठीक है यहाँ पे टाइपिंग में मैं इसको इटालिक नहीं कर पाई हूं लेकिन आप सभी जब लिखोगे इसको तो आप सभी इसको अंडरलाइन करके लिखोगे क्लियर लिखो है बच्चों यहाँ तक ठीक है अब नेक्स्ट इसके बाद लिखो पीगन कबूतर कबूतर का क्या होगा साइंटिफिक नेम देखो आपकी स्क्रीन में आ रहा है आपकी स्क्रीन में आ रहा है देखिए ध्यान से हां मोर का हो गया है मोर का हो गया है अब इसके बाद आप नेक्स्ट लिखिए कबूतर कोलंबा लिविस या कोलंबा लीविया ठीक है ये कई बार आपके एग्जाम में आया हुआ है ये जो मैं शुरुआत के करवा रही हूँ स्टूडेंट्स इसको आप बिल्कुल याद कर ले बार बार क्वेश्चन आया हुआ है कोलंबा लीविया कोलंबा लीविया ठीक है अगर हम कोलंबा लीविया की बात करें तो इसे क्या कह रहे हैं हम कबूतर कबूतर ठीक है नेक्स्ट इसके बाद आप देखेंगे जेबरा जेब्रा जेब्रा की अगर हम बात करें तो जेब्रा से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आए हैं लेकिन दो या तीन बार ये भी पूछा गया है जेब्रा। तो अगर हम जेब्रा की बात करें ठीक है जेब्रा की अगर हम बात करते हैं तो उसका साइंटिफिक क्या नाम है आप देखिए ध्यान से आपको दिखाई दे रहा है हां इसमें लिखो इक्वस क्वोगा ठीक है इसमें ई क्यू डबल यू एस क्यू यू ए डबल जी एक्वस क्यूगा ठीक है ठीक नेक्स्ट इसके बाद आप देखेंगे डंकी यानी कि गधा डंकी गधा ठीक है देखिए आपका आ रहा होगा हाँ ये भी इक्वस का ही है यानी कि इनका क्या है ये सभी घास फूस खाते हैं चार पैरों से चलते हैं तो जेब्रा ठीक है गधा यानी डंकी और हॉर्स यानी कि हॉर्स यानी कि क्या घोड़ा ठीक है ये तीनों एक ही जीनस से एक ही वंश से बिलोंग करते हैं तो इन सभी में क्या लिखा हुआ होगा ठीक है तो आप देखो अगर हम डंकी की बात कर रहे हैं तो डंकी को क्या कहा जाएगा एसिनस एक्वस एसिनस एक्वस हाँ, बिल्कुल राधे कर्ण परमार गधे में ऐसे हो करने की जरूरत नहीं है इसको यहाँ पे याद करने की जरूरत है एक्वस हाँ एक्वस एसिनस ठीक है अब इसके बाद नेक्स्ट इसके बाद हॉर्स हॉर्स यानी कि घोड़ा तो अगर आप हॉर्स की बात करें तो इसका भी जीनस कैसा होगा कैसा होगा स्टूडेंट्स इसका जीनस एक्वस ही होगा ठीक है ही होगा मैंने आपको बताया ना जहां पे भी एक्वस लिखा हुआ है इसका मतलब गधा घोड़ा जैबरा इस तरह से ठीक है तो लिखो एक्वस लिख लो बच्चों अर्थ अभी यहाँ पे मैं आपको नहीं पढ़ा रही हूँ अभी जो आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा गया है वो पढ़ा रही हूँ ठीक है तो एक्वस कैबेलस एक्वस caballus. अगर हम Equus caballus की बात करें तो एक्वस caballus किसे कहा जाता है हॉर्स को कहा जाता है घोड़े को कहा जाता है क्लियर है यहां तक सभी को ठीक है नेक्स्ट इसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे क्या चीता चीता और चीता को इंग्लिश में चीता ही कहते हैं सी एच डबल ई टी एच चीता ठीक है तो अगर हम चीता की बात करते हैं तो वो कैसा होता है कैसा होगा देखो कुछ बच्चे बाघ और चीता में डिफरेंस नहीं कर पाते बहुत अंतर होता है ठीक है तो अगर हम चीता की बात कर रहे हैं तो वो कैसा होगा कुछ इस तरह से जो आपके स्क्रीन में शो हो रहा है अभी जस्ट पूरे शरीर में इनके गोल गोल से धब्बे से बने होते हैं स्पॉट से बने होते हैं लेकिन अगर आप टाइगर की बाघ की बात कर रहे हैं तो उसमें पतली पतली स्ट्रिप्स होती हैं ब्लैक कलर की जबकि इनमें क्या होता है स्पॉट्स होते हैं छोटे छोटे से धब्बे होते हैं ठीक है साइंटिफिक नेम इसका देखिए आप एसिनोनाइक्स जुबेटस क्लियर है यहां तक नोट करिए इसको और हां एक चीज और सभी स्टूडेंट्स अंडरलाइन करते रहेंगे क्योंकि हमें पता है जी कि जब हम हैंड रिटन लिखते हैं तो क्या करते हैं हम अंडरलाइन करते हैं ठीक है नेक्स्ट इसके बाद आप लिखिए शीप यानी भेड़ सीप यानी कि भेड़ ठीक है अगर आप भेड़ की बात करें आप सभी को पता है इससे क्या मिलता है हमें वुल मिलता है ठीक है ऊन मिलता है तो सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे आपके स्क्रीन में शो हो रहा है आप सभी ने देखा होगा इसे ठीक है हो गया ओवियस एरिस ओवियस एरिस आप सभी को पता है ना कि एरिस वर्ड किसके लिए यूज होता है मेष के लिए और मेष कैसा होता है जिसके बड़े बड़े से इस तरह से सिंग होते हैं भेड़ की तरह ठीक है तो याद करने के लिए ओवियस ओविस एरिस ओविस एरिस क्लियर है यहां तक समझ आया अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट आपका आएगा रेट रेट मतलब क्या होगा चूहा रेट मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स चूहा तो आपके स्क्रीन में आ गया रेटस रेटस से साफ पता चल रहा है रेट चूहा रेटस और इसके बाद क्या हो क्या? गया नॉर्गेविकस स तो अगर हम इंडियन चूहे की बात कर रहे हैं जितनी भी स्पीशीज हैं स्पेशली हम क्या लेके चलेंगे सभी इंडियन लेकर के चलेंगे ठीक है अगर आप देखो तो और अलग अलग चीजें भी हो सकती हैं पर हम यहाँ पे इंडियन को ही ज्यादा प्रेफर करेंगे तो रेटस नॉर ठीक है नॉर ठीक है अब इसके बाद नेक्स्ट आप लिखोगे छिपकली छिपकली छिप यानी लिजाल्ट ठीक है सभी ने देखा होगा दीवार में छिपकी हुई रहती है छिपकली लिजार्ड ठीक है तो अगर हम लिजार्ट की बात करें तो लिजार्ट क्या है एक तरह की रेप्टाइल होती है और कितने चैम्बर हर्ट होता है इसमें कितना होगा थ्री चैम्बर हर्ट होता है समझ आया और अगर हम क्रोकोडाइल की बात करते हैं तो कितना चैम्बर्ड होता है उसमें फोर चैम्बर्ड होता है तो अब आपके स्क्रीन में क्या शो होगा आपके स्क्रीन में शो होगा छिपकली यानी कि लिजार्ड ठीक है तो लिजार्ड के अगर हम बात करें तो लिजार्ड का आप देखिए क्या होगा इसमें साइंटिफिक नेम हेमीडेक्टाइलस फ्रेनेटस ठीक है हेमीडेक्टाइलस हेमीडेक्टाइलस मतलब डेक्टाइलस मतलब जिसकी बहुत सारी उंगलियां आपको अलग से और दिखाई दे रही हैं हेमीडेक्टाइलस फ्रेनेटस हाँ वेरी गुड सभी स्टूडेंट्स का बिल्कुल सही आंसर है तीन इसके अंदर थ्री चैम्बर्ड हर्ट होगा वेरी गुड ठीक है और कॉकरो और उसके अंदर क्रोकोडाइल के अंदर कितना होता है फोर होता है वेरी गुड ठीक है बिल्कुल सही अब इसके बाद नेक्स्ट आप देखेंगे फॉक सॉरी मंकी इसके बाद आप देखेंगे मंकी सभी को पता है बंदर बंदर ठीक है अगर हम इंडियन मंकी की बात करते हैं इंडियन मंकी की बात करते हैं जो आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है तो इंडियन मंकी की बात करेंगे बंदर किस में आता है ये मैमल में आता है मंकी मैमल्स में आते हैं ठीक है काफी ये प्रिमेटिव होते हैं काफी इनको प्राइमेट कहा जाता है या क्योंकि ये हम क्या कहा जाता है प्राइमेट यानी कि ये कपी वर्ग से संबंधित है अब रिसर्स जहां पे भी रिसर्स मतलब आया उसका मतलब क्या होता है बंकी बंदर क्योंकि जो हमारा आर एच फैक्टर है ब्लड का पॉजिटिव निगेटिव ऐसा लिखते हो आप ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव तो जो पॉजिटिव निगेटिव इन सबका जो गेमिंग होता है वो किसकी वजह से होता है आर एच फैक्टर यानी कि आर एच एंटीजन जो किससे रिजेंबल करता है बिल्कुल किसकी वजह किसके जैसे जैसे बंदर में एक एंटीजन होता है ना बिल्कुल वैसे ही इसको मैं सर्कुलेटरी सिस्टम में आपको पढ़ाऊंगी तो परेशान मत होइए अभी केवल इतना ध्यान रखिए कि जहाँ पे भी रिसर्स वर्ल्ड आ रहा है तो वो किससे संबंधित है किससे रिलेट करता है मंकी से रिलेट करता है ठीक है तो मंकी को क्या कहा जाएगा रिसर्स मैकिक, क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट फॉक्स 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 यानी लोमड़ी, किससे संबंधित है लोमड़ी कौशल मेना जय बजरंग बली लिखने से आपका एग्जाम क्लियर नहीं होगा ठीक है वहां पे आपको क्या लिखना पड़ेगा रिसर्स लिखना पड़ेगा क्लियर है रिसर्च लिखना पड़ेगा तभी बजरंग बली आपकी नैया पार लगा पाएंगे ठीक है अब इसके बाद नेक्स्ट फॉक्स लोमड़ी ठीक है अगर हम फॉक्स की बात करते हैं तो इनको क्या कहा जाएगा देखो देखिए बच्चे लिखा हुआ है स्क्रीन में वॉल्पस बेंगालसिस ठीक है क्लियर है सभी को यहां तक हाँ हाँ बिल्कुल ये एक तरह की मास्टर क्लास ही है एम डी मोजिम एक तरह की ये मास्टर क्लास ही है तो ठीक है इसके लिए अलग से कोई और क्लास अभी है नहीं फ़िलहाल तो इसको आप सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ही पढ़िए पर स्पेशली फोकस मेरा आरआरबी के ऊपर और एसएससी एस के बच्चों के ऊपर ही है नो no डाउट लेकिन ये आप एक तरह की मास्टर क्लास ही है ठीक है अब नेक्स्ट इसके बाद देखिए आपके स्क्रीन में शो हो रहा है गिलहरी यानी कि स्क्रिल ठीक है गिलहरी तो अगर हम गिलहरी की बात करें तो उसका साइंटिफिक नाम क्या होगा फिनम्ब्यूलस पाल मेरूम क्लियर है यहाँ तक बच्चों ठीक है तो ये मैंने कुछ आपको एनिमल्स लिखवाए हैं 23, 22 के राउंड ऑफ या आपको कुछ मैंने एनिमल्स आपको शो करवाए हैं और इसके बाद हम बात करेंगे कुछ प्लांट्स की ठीक है जिसको हम कहते हैं बॉटेनिकल नेम जो आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि हमारा जो नेशनल फ्लावर है ठीक है वो कौन सा है बताओ स्टूडेंट्स कौन सा है लोटस कमल ठीक है लोटस कमल तो सबसे पहले हम वहीं से शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले आप अपने स्क्रीन में देखिए और लिखिए बॉटेनिकल नेम अब हम एनिम क्या पढ़े थे अभी तक एनिमल्स के नाम जिसको हम क्या कहते हैं जुलॉजिकल नेम अब हम क्या पढ़ेंगे यहां पर बोटनिकल नेम क्लियर है तो देखो सबसे पहले बॉटनिकल नेम में सबसे पहले आपके स्क्रीन में शो होगा लोटस लोटस ठीक है हाँ देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे नीलंबो न्यूसी फेरा नीलम्बो फेरा ठीक है तो इसको याद करने का तरीका अगर हम पर्यायवाची शब्द की बात करें तो नीलम किसके लिए यूज होता है कमल के लिए यूज होता है तो बस बिल्कुल यहाँ पे आप क्या लिख सकते लोग के नीलम्बो न्यूसी फेरा ठीक है और ये कई बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है ठीक है लोटस हाँ बिल्कुल सही बात है इसके बाद नेक्स्ट इसके बाद नेक्स्ट देखोगे बनियान बनियान यानी कि बरगद बरगद बनियान आपके स्क्रीन में शो हो रहा होगा हाँ बनियान ठीक है तो इसका जो जीनस है वो क्या होता है स्टूडेंट्स फीकस इसका जीनस होता है आपके स्क्रीन में शो हो रहा होगा हाँ बिल्कुल हाँ कमल संजू मीना कमल कमल हाँ ठीक है अब इसके बाद नेक्स्ट आप देखोगे यहाँ पे बनियान यानी कि किसकी बात चल रही है यहाँ पे बरगद की बात चल रही है अगर हम बरगद की बात कर रहे हैं ठीक है तो आप इसमें क्या लिख सकते हैं फीकस बैंग हेलेंसिस फीकस जैसे अंजीर है बरगद है ये सब किससे बिलोंग करते हैं फीकस से बिलोंग करते हैं ठीक है थीके? और बैंगलेंस नाम से पता चल रहा है जहां पे भी बैंग लिखा हुआ है वहां पे आप क्या लिख सकते हैं बनियाइन ठीक है तो आप रिलेट करके इसको याद कर सकते हैं बिल्कुल अब इसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट हिमांशु तिवारी मजाक मत करिए आप यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ लीजिए ठीक है अब इसके बाद नेक्स्ट आप लिखिए यहाँ पे नीम नीम, ठीक है हम सभी को पता है नीम एक हर्ब है जो कि मेडिसिनल हर्ब है औषधि की तरह यूज होती है तो स्क्रीन में आपके आ रहा होगा नीम ध्यान से देखिए नीम ये एक लैटिन शब्द का प्रयोग है लेकिन एकदम पढ़ने में आपको कैसा लगेगा जैसे कि आप संस्कृत पढ़ रहे हैं ठीक है संस्कृत पढ़ रहे हैं तो आप देखिए क्या लिखा हुआ है उसमें आजादी रचिता इंडिका आजादी रचिता इंडिका आपको शो नहीं हो रहा होगा अच्छे से इसका कलर थोड़ा सही नहीं आया है मैं आपको स्पेलिंग बता देती हूं ए जेड ए डी आई आर ए सी एच टी ए ठीक है आजाद रचिता ठीक है और इंडिका आई एन डी आई सी ए क्लियर है ब्रिजेश कुमार बायोलॉजी का सिलेबस पूरा होगा लेकिन मेरा फोकस वहीं से है जहां से आपके मार्क्स आ सके तो पढ़ाई में ध्यान दे ठीक है आजादी रचिता इंडिका क्लियर है यहां सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में मस्टर्ड का साइंटिफिक नेमटेनिकल नेम पूछा गया है तो आपके स्क्रीन में शो हो रहा होगा मस्टर्ड सरसों ठीक है हाँ, बिल्कुल संदीप बहुत कड़वा होता है नीम लेकिन गुणकारी होता है जैसे कि मैम की बातें यहाँ पे कड़वी हैं पढ़ाई कड़वी है लेकिन आपके लिए बहुत गुणकारी है ऐसे ही बिल्कुल ठीक है अब हम बात करेंगे यहाँ पे ब्रासिका यानी सरसों की ठीक है तो आप इसको लिखिए ब्रासिका ठीक है लिखिए यहाँ पे ब्रासिका जुनसिया ठीक है तो बी आर ए डबल एस आई सी ए जहां पर भी ब्रासिका शब्द का प्रयोग होता है तो ब्रासिका मतलब आप तुरंत समझ जाइए कि, कि किसकी बात हो रही है यहाँ पर मस्टर्ड की बात हो रही है और जे यू एन सी ई ए, ए क्लियर है यहां तक ठीक है अब नेक्स्ट इसके बाद नेक्स्ट आप इसके बाद लिखिए चिक पी चिक पी, यानी कि चना चिक पी यानी कि चना आप सभी को शो हो रहा होगा आप चने की दाल चने की दाल खाते हैं है ना चने की दाल खाते हैं बस वही वाला चना जिससे बेसन बनता है चना जिसके आप पकोड़े खाते हो सुबह सुबह ब्रेड पकोड़ा चाय में डुबा के वही वाला वही वाला चना ठीक है जिसको आप कभी कभी ग्राम भी बोलते हो बट इसका प्रॉपर है चिकपी ठीक है अगर हम चिक पी की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स ऊपर लिखा हुआ है सी सर ठीक है इसका जीनस है सी सीसर और इसकी स्पीशीज क्या है एरी एंटीनम ठीक है तो लिखो इसमें सीसर एरेंटिनम और सभी स्टूडेंट्स इसके नीचे क्या करेंगे सभी स्टूडेंट्स इसके नीचे क्या करेंगे अंडरलाइन करेंगे अंडरलाइन करेंगे क्लियर है सीसस एरेंटिनम ठीक है अब नेक्स्ट इसके बाद आपका एग्जाम में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आया है वो आया है मटर से मटर यानी कि पी मटर यानी कि पी आपके स्क्रीन में शो हो रहा है अगर आप बात करें मटर की तो मटर का साइंटिफिक नेम क्या होता है मटर का साइंटिफिक नेम क्या होता है पाइसम सटाइवम पाइसम सटाइवम आपकी स्क्रीन में शो होगा अभी पाइसम सटाइवम लिखिए आ गया मटर पाइसम सटाइवम ठीक है पी आई एस एम पाइसम सटाइवम एस ए टी आई वी एम पाइसम सटाइवम ठीक है ठीक है ठीक है और एक बात और स्टूडेंट्स अभी तक जिन बच्चों ने लाइव लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है और शेयर नहीं करते हैं मैं उनसे फिर से कहूंगी फटाफट से कीजिए अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही है क्योंकि स्टूडेंट्स ये तो कहते हैं कि आपकी बायोलॉजी क्लास बहुत अच्छी लग रही है लेकिन इसको और अपने दूसरे दोस्तों तक पहुंचाते नहीं है तो जब तक आप लाइक नहीं करेंगे कमेंट नहीं करेंगे सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक हमें कैसे पता चलेगा ठीक है ठीक है आगे इसके नेक्स्ट आप लिखिए इसके बाद गेहूं गेहूं ठीक है गेहूं की अगर हम बात करें तो इसको क्या कहा जाता है ट्रिटिकम एस्टिवम ट्रिटिकम एस्टिवम ठीक है तो आपके यहां पर आपको शो हो रहा होगा गेहूं वीट गेहूं के ऊपर सबसे ज्यादा आपका क्वेश्चन आया है देखिए आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा हाँ हाँ इसके बाद हा तो ट्रिटिकम एस्टिवम यही है ट्रिटिकम एस्टिवम अगर हम ट्रिटिकम एस्टिवम की बात करें तो ट्रिटिकम एस्टिवम क्या है ट्रिटिकम एस्टिवम क्या है यहां पर ठीक है अब इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट इमली नेक्स्ट हम बात करेंगे यहां पर इमली नेक्स्ट हम इसकी बात क्या करेंगे यहां पर इमली की बात करेंगे ठीक है अगर आपसे इमली की बात की जाती है तो हिंदी में इसको क्या कहा जाता है टेमरिंड कहा जाता है ठीक है टेमरिंड कहा जाता है तो आपकी स्किन में शो हो रहा है शो हो रहा है आपकी स्किन में हाँ यही है ठीक है टेमरिंडस इंडिका टेमरिंडस इंडिका ठीक है क्लियर है बिल्कुल अब इसके बाद नेक्स्ट आप देखोगे मैंगो यानी कि आम मैंगो यानी कि आम ठीक है क्या होगा मैंगो आम का मैग्नीफेरा इंडिका या मैग्नीफेरा इंडिकस दोनों ही आंसर बिल्कुल सही है मैग्नीफेरा इंडिका मैग्नीफेरा इंडिका क्लियर है ठीक है यहां तक लिखिए आप टेमरिंडस इंडिका क्लियर है अब इसके बाद नेक्स्ट आप लिखिए यहां पर मैंगो के बाद मैंगो के बाद आप क्या लिखेंगे यहाँ पे मैग्नीफेरा इंडिका ठीक है अब इसके बाद नेक्स्ट लिखिए इसके बाद धान धान यानी कि पैड़ी धान यानी कि पैड़ी अगर हम इसकी बात करें तो ओराइजा इसका क्या होता है इसका क्या होगा में शो हो रहा है हाँ बच्चों बहुत आम खा लिया अब आम खाने के बाद आ जाओ किसके पास खाना खाना पड़ेगा ना राइस पैडी धान ठीक है तो अब आप इसमें आ जाइए ठीक है आपके शो हो रहा होगा हाँ औरजा सटाइवा औरजा सटाइवा अगर हम औराइजा सटाइवा की बात करें तो औरजा सटाइवा किसको कहा जाता है बिल्कुल बिल्कुल सही लिखा है आपने सूरज कुमार बिल्कुल सही इंडिका क्यों है क्योंकि ये हम इंडिया की स्पीशीज की बात कर रहे हैं और अगर हम मैंगो की बात करते हैं तो आपको पता ही है हाँ ठीक है जीनस होगा पहला वाला जीनस होगा और दूसरा वाला स्पीशीज होता है हाँ बिल्कुल अब इसके बाद नेक्स्ट आप देखेंगे नेक्स्ट इसके बाद देखेंगे आप पोमेग्रेनेट यानि कि अनार प्रोमेग्रेनेट यानि कि अनार आप सभी को पता है ना अनार के बारे में अनार खाया करिए रोज आप सभी ठीक है अनार प्रोमेग्रेनेट देखिए आपके स्क्रीन में शो हो, हो रहा है इसका स्ट्रक्चर इसका इमेज आपको शो हो, हो रहा है आम के आम गुटलियों के दाम बिल्कुल सही बात है थैंक यू ठीक है देखिए प्यूनी का ग्रेनेनम ग्रेनेनम मतलब क्या होता है छोटे छोटे से दाने छोटे छोटे से दाने यानी कि जहां पे भी ग्रेनेंटम लिखा हुआ हो उसका मतलब क्या हो गया कि किसकी बात चल रही है अनार की बात चल रही है क्योंकि इसमें क्या होंगे छोटे छोटे से दाने होते हैं तो पुनी का ग्रेनेंटम ठीक है नेक्स्ट इसके बाद आप आ जाओ अनार के बाद बेम्बू बेम्बू अगर हम बैम्बू की बात करें बैंबू की हम बात करें तो बैम्बू को क्या कहा जाता है बास कहा जाता है बैम्बू को बास कहा जाता है ठीक है बास कहा जाता है तो बैंबू आपको पता ही है? कैसी होती है आपके स्क्रीन में शो होगी अभी हाँ हा, ये रहा बिल्कुल बैम्बू हाँ यही है बैम्बू सा वॉल गैरिस सा वॉल गैरिस ठीक है अगर हम बास की बात करें ठीक है बास की बात करें हाँ बिल्कुल हिमांशु इसीलिए मैं कह रही हूं कि फटाफट अच्छे से क्लासेस करो यहाँ एग्जामपुर से सिलेक्शन लो फिर अपने पैसे से अनार खाना ठीक है बेम्बूसा वर्लगरिस ठीक है ये क्या है बास ठीक है नेक्स्ट इसके बाद आपका आता है जैक फ्रूट नेक्स्ट इसके बाद स्क्रीन में आएगा, आएगा आपका जैक फ्रूट ठीक है अगर हम जैक फ्रूट की बात करें देखिए ध्यान से अगर हम जैक फ्रूट की बात करें तो क्या आपको शो हो रहा है यहाँ पे कटहल कटहल और इसका साइंटिफिक नेम क्या है इसका आर्टो कार्पस ठीक है और इसकी जाति कौन सी है हिटेरोफाइलस हिटेरोफाइलस क्लियर है तो अगर आपसे पूछा जाए कि कटहल की यानी बॉटनिकल नेम क्या है तो लिखा हुआ है और जीनस और स्पीशीज अगर अगर पूछा जाए तो भी आपको बहुत अच्छे से पता है वेरी गुड विराट बिल्कुल सही लिखा है ठीक है कुंदन सिंह मैं लेट नहीं हुई हूँ यहाँ पे स्क्रीन में डिस्प्ले होने में थोड़ा टाइम लगता है ठीक है अब नेक्स्ट इसके बाद पपाया पपीता पपीता की अगर हम बात करें सभी ने खाया होगा पपीता ठीक है नेक्स्ट इसके बाद आपकी स्क्रीन में शो हो रहा है पपीता ठीक है देखिए आपके स्क्रीन में शो हो गया है अब कैरी का पपाया कैरिका पपाया अगर हम कैरिका पपाया की बात करें तो जाहिर सी बात है इसमें आपका पपाया से साफ पता चल रहा है कि पपीता के बारे में बात हो रही है लेकिन अगर यहाँ पे इसके जीनस की बात होती है इसके वंश की बात होती है तो आप क्या बताएंगे कैरिका इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है पाइन ऐप्पल पाइन ऐप्पल जिसको क्या कहा जाता है अनानास कहा जाता है अनानास कहा जाता है ठीक है आप सभी ने अनानास देखा होगा पाइन ऐप्पल के बारे में सुना होगा तो अनानास ही इसका क्या है जीनस है तो आपको तो बिल्कुल ये याद करने की जरूरत ही नहीं है तो आप देख के ही बता सकते हो अनानास कोमोसस ठीक है कोमोसस क्लियर है इसके बाद नेक्स्ट आप आ जाओ तुलसी आपके एग्जाम में तुलसी भी कई बार पूछा गया है तुलसी भी कई बार पूछा गया है तो अगर हम तुलसी की बात करते हैं ठीक है थीके? आपको पता ही है तुलसी कैसी होती है बहुत ही हर्ब हर है कैसी मेडिसिनल हर्ब है ठीक है तो आप इसके बाद नेक्स्ट देखिए यहां पे इसका क्या होगा साइंटिफिक नेम ओसीमस लिखिए ध्यान से ओसीमस ट्यूनी फ्लोरम ओसीमस टीनियो फ्लेरम ठीक है और बच्चों मैंने यहाँ पे इसलिए इसको टाइप कर दिया ताकि आपको किसी भी तरह की स्पेलिंग की मिस्टेक ना हो ठीक है वैसे तो इसको मुझे इटालिक में शो करना चाहिए था पर ये नहीं हो पाया है पर आप सभी इसको अंडरलाइन जरूर करेंगे देखिए मैं बार बार कह रही हूँ इसको आप अंडरलाइन करेंगे जब तक कि अंडरलाइन नहीं है इसका मतलब ये साइंटिफिक नेम नहीं होता है नेक्स्ट इसके बाद आप आ जाइए ड्रम स्टिक यानी सहजन ड्रम स्टिक यानी कि सहजन आप सभी को पता होगा इसमें बहुत ही ज्यादा आयरन होता है जिसके अंदर भी हीमोग्लोबिन की कमी है वो इसको बहुत अच्छे से खा सकता है क्लियर है तो इसके बाद आप लिखिए इसमें ड्रम स्टिक ठीक है इसका जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है मोरिंगा ओलिफर ठीक है और अगर आपके जीनस की बात होती है तो इसको क्या कहा जाएगा मोरिंगा क्लियर है अब इसके बाद नेक्स्ट आप लिखे यहाँ पे अमरूद अमरूद यानी ग्वावा अमरूद यानी कि ग्वावा आपके स्क्रीन में शो होगा अगर हम ग्वावा की बात करें तो ग्वागा से ही रिलेटेड इसकी स्पीशीज होती है तो इसको भी याद करने में आपको बहुत ही आसानी होगी ठीक है आपके स्क्रीन में शो हो रहा होगा ठीक है हो गया ठीक देखिए ध्यान से देखिए इसको पीसीडियम ग्वाजावा ठीक है तो ग्वावा ग्वाजावा लगभग सेम है ठीक है तो ये भी आपको याद हो जाएगा नेक्स्ट इसके बाद ओनियन Onion, सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में पूछा गया है तो इसका होता है सेपा ठीक है तो की अगर हम बात करें तो ये सबसे ज्यादा इसका जीनस के बारे में क्वेश्चन आया हुआ है तो आप क्या बताएंगे इसमें एलियोम है यहां तक ठीक है आपके स्क्रीन में शो हो रहा होगा स्टूडेंट ध्यान से देखिए हाँ बिल्कुल सेपा इसके बाद नेक्स्ट आपका जो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है आंवला ठीक है आंवला में विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है ग्रीन कलर का होता है और ठंडियों के टाइम पे आप इसका मुरब्बा बना के भी खाते हो ठीक है तो सबसे ज़्यादा ये पौष्टिक होता है विटामिन सी सबसे ज्यादा होता है और इसका ज्यादा सबसे ज्यादा आपका साइंटिफिक नेम इसी से ही पूछा जाता है बॉटनिकल नेम बताओ ऐसा पूछता है तो इसका जो बॉटनिकल नेम है वो क्या होगा आपकी स्क्रीन में शो हो रहा होगा देखिए ध्यान से शो हो रहा है हाँ बिल्कुल यही फाइलेंथस इम्बलिका 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 मतलब आंवला ठीक है इम्बलिका को ही हम आंवला बोलते हैं क्लियर है तो डियर स्टूडेंट्स अभी तक जो भी मैंने आपको जुलॉजिकल नेम कराया है और बॉटनिकल नेम कराया है इसको आप याद कर ले और थोड़े टाइम बाद जब मैं इसका टेस्ट लूंगी तब मुझे आपसे इस का पूरा का पूरा आंसर चाहिए तो जितना कुछ भी मैंने लगभग आपको 42 या 43 के आसपास जो साइंटिफिक नेम करवाए हैं वो आप सभी को बिल्कुल मुंह जबानी याद होना चाहिए ठीक है अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही है स्टूडेंट्स तो प्लीज आप इसको लाइक करें सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसके बारे में पता चल सके ठीक है तो आज की क्लास हम यहीं पर ख़त्म करते हैं ठीक है इसके बाद हम मिलते हैं मंडे को तब तक के लिए थैंक यू और प्लीज़ टाड़, स्टडी में फोकस करिए और कहीं बिल्कुल ध्यान मत दीजिए ओके थैंक यू हैव नाइस डे